The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बहुत सारे हमारे पास आते हैं कोरोना वायरस के चलते, अगर आपको कोविड 19 है या हो चुका चाहिए, किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, तो कोविड 19 के लिए डाइट क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या खाएं ताकि रिकवरी जल्दी हो, ताकि इससे बचें, ताकि वायरस जल्दी खत्म हो। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो टेक्निकली इम्पॉर्टेंट है। घर का खाना सबसे अच्छा है, पहली सिंपल सी बात। दूसरी सबसे जरूरी चीज इसमें है बहुत सारा पानी, लिक्विड, फ्लूइड्स बहुत जरूरी है। एक, आपको वो डिहाइड्रेशन से बचाएंगे क्योंकि उसमें बुखार होता है। दो, जितना ज्यादा पानी होता है वो वायरस को आपके शरीर से फ्लश आउट करता है। तो पानी सबसे जरूरी है, तो पानी खूब सारा पानी पीजिए। लिटरली 3.5-4.5 लीटर लिक्विड्स ले लीजिए। उसमें चाहे आप कोकोनट वाटर लें, किसी चीज का जूस लें, छाछ लें, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी पीते रहिए, गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं है, कुनकुना पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी चलेगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आपको समझनी है कि कुछ प्रकार के फूड होते हैं जो इन्फ्लामेशन करते हैं आपके शरीर में। कोरोना वायरस भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कर रहा है, ये बीमारी इन्फ्लामेशन की है। इन्फ्लामेशन एक तरीके का बॉडी के अंदर कह लीजिए थोड़ी सी जलन सी होती है, राइट, इन्फ्लामेशन हो रहा है। सो ऐसे कुछ फूड हैं जो कोरोना वायरस में या किसी भी बीमारी में आपके इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं कुछ प्रकार के फूड जो इन्फ्लामेशन करते हैं? सबसे जरूरी जो बाहर के फ्राइड फूड होते हैं, जो मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हम खाते हैं, जो सोडा खाते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा ऐसी चीजें खाते हैं, ये इन्फ्लामेटरी फूड है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड शुगर, सिंपल शक्कर, बहुत सारा नमक भी इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी फूड है। जो सफेद ब्रेड, व्हाइट ब्रेड इन्फ्लामेटरी होता है, जो व्हाइट ब्रेड से, बेकरी से बनी हुई चीजें, बिस्किट, सारे इन्फ्लामेटरी फूड है। जितने भी खाने पीने की चीजें बाहर की पैकेट में बंद आती हैं, आप फाड़ के डायरेक्ट खाते हो, वो इन्फ्लामेटरी फूड है, वो नहीं खाना है, राइट। जो बाहर से बना हुआ बटर होता है, जो वो इन्फ्लामेटरी होता है। तो ये सारे इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं, ये इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं आपके शरीर में, रिस्क बढ़ा। सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फ्रेंच फ्राइड, अदर फ्राइड फूड, सोडा, रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, सॉसेजेस, हॉट डॉग्स, मार्जरीन, लार्ड, ये सारे इन्फ्लामेशन करते हैं। सो इन्फ्लामेटरी फूड आपको नहीं खाने हैं, अभी से मत खाइए, चाहे आपको कोरोना है नहीं है, इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, ना खाएं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाना है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड में सबसे जरूरी जो है, जो सबसे कॉमन है, टमाटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्ते वाली लंबी लंबी सब्जियां, वेजिटेबल्स सारी ही एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। फ्रूट्स सारे ही एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। फ्रूट्स ज्यादा खाएं, जिसमें ऑरेंजेस, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कुछ आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। नट्स खाएं, आलमंड्स खाएं, वॉलनट्स खाएं, उसमें अच्छा गुड फैट होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, ओमेगा 3 होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी ओमेगा 3 है। फैटी फिशेस आप ले सकते हैं, मच्छी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन भी खा सकते हो, एग भी खा सकते हो। रेड मीट ना खाएं, मटन ना खाएं। फैटी फिशेज जैसे सैलमन, मकरेल, टूना, सार्डीन्स खा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सैलेड दबा के खाइए, सैलेड्स खाने से अच्छा फायदा, इनसे क्या होता है आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कम होता है। कॉफी भी इन्फ्लामेशन कम करती है, कॉफी भी इन्फ्लामेशन में फाइट करती है। तो दिन में एक बार दो बार कॉफी पी सकते हैं, रात को 6-7 बजे के बाद ना पीजिए, उससे फिर नींद भी नहीं आएगी। नींद अच्छी जरूरी है, आपको याद रखिए,
तो ये बेसिक चीजें आपको डाइट में याद रखना है। बहुत अच्छी मात्रा में फल फ्रूट खाना है, दिन में एक दो बार फल के जूस ले लीजिए, वेजिटेबल जूस ले लीजिए, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोई भी ओमेगा थ्री रिच ऑयल ले सकते हैं। ओमेगा थ्री किस किस ऑयल में है, ऑयल्स वाले वीडियो में हमने समझाया है, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, आप राइस ब्रान ऑयल आप ले सकते हैं, कैनोला ऑयल, ये सारे ऑयल उसमें थोड़ा बहुत चाहिए तो फ्लैक्स सीड ऑयल आप डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें डाइट में करना है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है रिकवरी के लिए, याद रखिए COVID-19 की बीमारी आपके शरीर के ऊपर एक स्ट्रेस है। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कई लोगों के शरीर में लंबे समय तक कमजोरी रहती है, लंबे समय तक पैरों में, हाथ पैरों में दर्द रहता है। वो हाथ पैरों में दर्द, वो कमजोरी को ठीक करने के लिए जरूरी है आपके डाइट में प्रोटीन्स। नॉर्मली आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन लेना चाहिए अपने शरीर के मसल्स को, अपने शरीर की मांसपेशी को मेंटेन करने के लिए। COVID-19 की बीमारी होने के बाद आपको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, और अगर आप वर्कआउट कर पाते हैं तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन, मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 90 ग्राम या 100 ग्राम प्रोटीन रोज का खाना है। एक वेजिटेरियन के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको अपने डाइट में दूध, पनीर, छाछ, सोयाबीन, दालें ज्यादा खानी पड़ेंगी। ऐसी चीजें ज्यादा खाइए, और दूध में ध्यान रखें मलाई ना हो, मलाई मिनिमम हो, डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क खाएं, या उसी से बना हुआ पनीर, उसी से बना हुआ दही खा सकते हैं। याद रखिए अगर ये सारी डाइट आप करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, पानी खूब सारा लेंगे, रेस्ट प्रॉपर करेंगे, तो आपको कोरोना जल्दी ठीक हो जाएगा। होगा भी तो माइल्ड बीमारी होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हैं, घर में रखी स्पाइसेस, हल्दी ले सकते हैं, हल्दी ज्यादा खाइए, दूध में हल्दी डालिए, खाने में हल्दी डालिए, अंडे में हल्दी डालिए, ऑमलेट में हल्दी डालिए, जहां मर्जी हल्दी डालिए आप। उसके बाद घर के अंदर जो स्पाइसेस हैं, लहसुन है, अदरक है, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, तो वो सारे आपने थोड़े थोड़े रोज के तड़का मार के बढ़िया सब्जियां खानी है तो सब्जी ज्यादा खाइए, 1 कटोरी की जगह 2 की जगह 3 कटोरी खाइए, कटोरी कटोरी तो सब्जियां ज्यादा खाओ, तड़का मार के दाल खाओ, मिनिमम तेल में खाना बनाओ, ये सबसे अच्छा काम है आपके लिए। तो ये करोगे तो कोरोना हो या कोई भी इंफेक्शन हो आपकी बॉडी से जल्दी ठीक होगा। ये है डाइट, कोरोना डाइट जो आपको लेनी है। याद रखिए डाइट में सैलेड और फ्रूट्स भरपूर होने चाहिए, मतलब पूरे दिन का खाना अगर आपने एक साथ रखा तो जितना भार आपकी रोटियों का है, चावल का है, उतना ही भार आपकी सब्जियों से या उससे ज्यादा भार आपके सैलेड सब्जियां या फल फ्रूट का होना चाहिए। तो सैलेड सब्जियां भरपूर खाइए और थोड़ी बहुत रोटियां खाइए। जी हाँ, रोटियां आप कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें, डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, तभी काम होगा। उसके लिए अगर आप और समझना चाहते हैं किस खाने में कौन सा कितना प्रोटीन है, तो उसके लिए हमारा वीडियो है जो यूट्यूब में मौजूद है, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। साइंस ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिटेल में समझाया है किस खाने में कौन से कितने प्रोटीन, कितने कार्ब, कितने फैट है। एक वेजिटेरियन आदमी 100 ग्राम, 200 ग्राम तक भी प्रोटीन अपने नॉर्मल डाइट से बिना किसी सप्लीमेंट के ले सकता है, उसको कैसे अचीव करना है वो भी समझाया है। जाके आप वीडियो ढूंढ सकते हैं, ढूंढने के लिए नीचे दी गई लिंक में आप डाल सकते हैं सर्च में साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर साइंस ऑफ न्यूट्रिशन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो आपका भरपूर भरपूर फायदा होगा। जितने लोग कोविड से ग्रसित हो चुके हैं, हो सकते हैं, आसपास आ गया है, इस डाइट को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये कोविड डाइट आपके लिए है, बेस्ट डाइट है। शेयर करिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, और जितने लोग हमारे लाइव में कमेंट करना चाहते हैं वो हमारे FAQ चैनल पे वापस आए। हम एक अलग से लाइव सेशन करने वाले हैं जो डेली होता है रात को 10-11 बजे के आसपास, कोशिश होती है रोज आने की। तो एक अलग से सेशन होगा, उसमें सवाल का जवाब आपके सारे सवालों के जवाब जितना हो सके कोशिश करके दी जाएगा। तो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, फिर लाइव आएंगे। ओके, सो बने रहिए, बाय।
और बेल आइकन दबाए रखिए।